अरे विनीता, आज फिर इतने सारे फल ले आई, क्या करेगी इतने फल खरीद कर? सामान तो तेरा एक भी नहीं बिकता है। मेरी बात सुन, ये पकड़, इंजेक्शन पकड़ और इन सारे फलों पर लगा दे। हफ्ते भर तक खराब नहीं होंगे और इतने मीठे हो जाएंगे कि पूछो ही नहीं। पर ये तो केमिकल इंजेक्शन है ना? हाँ। इससे लोगों की तबीयत बिगड़ सकती है। अरे यार, यही चीज तो तू नहीं समझती है। लोगों की तबीयत खराब हो तो हो जाए, हमें उससे क्या लेना है? ये फलों पर लगा, तेरी बिक्री दुगनी हो जाएगी। ये तो बेईमानी है। नहीं नहीं, मुझे बेईमानी के पैसे नहीं चाहिए। ये लीजिए, लीजिए आपका इंजेक्शन और अपनी सलाह, दोनों ही अपने पास रखिए। अरे मेरी बात तो सुन। नहीं जानना ना, नहीं सुनना, आप जाइए, कह दिया ना नहीं चाहिए। आइए मैडम। ये अनार कैसी थी? 120 रुपए किलो। टेस्ट करवाना इसको। इतना बुरा स्वाद है इसका, बिल्कुल भी मीठा नहीं है। पर मैडम, अनार तो ऐसा ही होता है, देखिए। ऐसा होता है अनार का टेस्ट? मैं ना अनार पहली बार नहीं खा रही हूँ। रखो अपने अनार अपने पास, मैं सामने वाले भैया से ले। अरे क्या हुआ, एक भी फल नहीं बिका पूरे दिन में? क्यों अपना नुकसान करा रही है? अच्छा एक काम कर, आधे दाम में सारे फल मैं खरीद लेता हूँ। पर ये एहसान क्यों? एहसान नहीं, सौदा है। सौदा? हाँ देख, इस वक्त तेरे फल कोई नहीं खरीदेगा और कल ये सब तू फेंकेगी। इससे अच्छा है आधे दाम लेकर ये सब मुझे दे दे, इनमें मैं इंजेक्शन लगाकर एकदम ताजा कर दूंगा इनको। सोच क्या रही है? ये ले, रख ले, रख ले। आप रो क्यों रही हैं? देखिए अगर कोई तकलीफ है तो आप बता सकती हैं, शायद कोई सॉल्यूशन मिल जाए। सब मैं क्या करूं, मैं इतनी मेहनत से काम करती हूं, पर ये भगवान मेरी सुनता ही नहीं। मैं पूरी ईमानदारी से अपना काम करती हूं, कभी किसी का बुरा भी नहीं चाहती, पर फिर भी हर कदम पे सिर्फ मुश्किल ही क्यों आती है? तुम मुझे बताओगे कि हुआ क्या है? सब अब तो लगता है कि कुछ नहीं रखा इस ईमानदारी के रास्ते में, छोड़ दूं और कम से कम बेईमानी का ही रास्ता ले लूं, मेरा घर तो चल पाएगा। तुम्हें पता है कि इन्हें भगवान क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने ना पूरी जिंदगी सब कुछ हारा है। बचपन में घर बार छोड़ गुरुकुल चले गए, फिर राजपाट हारा, अपने जीवन के 14 साल वनवास में बिता दिए। लंका से जब सीता माता को वापस ला रहे थे ना, तो दुनिया भर की तकलीफ आई ना। और इस सब के बाद जब अयोध्या वापस लौटे ना, तो भी ने बीवी बच्चों और घर परिवार का सुख नसीब नहीं हुआ। ये जीवन भर सब कुछ हारते गए, लेकिन कभी भी धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा। और एक हम लोग हैं जो इन छोटी मोटी तकलीफों से डर के ये बेईमानी का रास्ता अपनाने की सोचते हैं। अब मैं समझ गई आप क्या कहना चाहते हैं। नहीं छोड़ूंगी मैं ईमानदारी का रास्ता। और देखना,
एक दिन सब ठीक कर देंगे। ये लो प्रसाद, चलता हूँ, ध्यान रखना। क्या भाई, क्या भाई, केमिकल वाले फल बेचते हैं? नहीं नहीं साहब, साहब मैंने कुछ नहीं किया। साहब साहब पाटिल साहब, उठा ले, सब उठा इसके यहाँ से, सारे सब उठा। माफ कर दीजिए साहब, चल ले, चल इधर पाटिल, चल साहब, गलती हो गई साहब, साहब छोड़ दीजिए साहब। ये 2 किलो सेब देना। जी मैडम। वो मैंने सुना है जो यहाँ पे दूसरे फ्रूट वाले भैया थे उनको पुलिस पकड़ के ले गई है। हाँ जी मैडम, वो फलों को मीठा करने के लिए उसमें केमिकल वाला इंजेक्शन लगाते थे ना, इसलिए। इनको सिर्फ अपना फ़ायदा दिखता है, उसके बाद किसी की हेल्थ ख़राब हो रही है या किसी का कोई नुकसान हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। कितनी गलत बात है ये। हाँ मैडम, गलत बात तो है, लेकिन उसमें गलती कहीं ना कहीं हमारी भी है ना। जिन फलों का सीज़न नहीं होता, हमें वो फल भी मीठे ही चाहिए होते हैं, तो इन जैसे लोगों को मौका मिल जाता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, एज अ कस्टमर हमारी भी गलती है। आई एम रियली सॉरी मैंने आपसे इतना रूडली बात की, अब से मैं ऐसे ही फ्रूट्स खरीदूँगी। It's very easy to do things when things are going your way, but the real character of the people can be seen once things are not going your way. It's high time to have the right inspirations and follow the right path. That's it for this story. See you next week for the Half Is.